नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बाउत बात कर रहे हैं। राजस्थान सोजस को लेकर अभी हाल ही में आई जून राजस्थान सोजस की, जो स्पेशली पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को समर्पित ये मैगजीन, इसके थीम पर्यावरण संरक्षण को है। जून की ये मैगजीन जो है राजस्थान सरकार को, इसमें नए आंकड़े कुछ हैं, ये नए आंकड़े हम देखते हैं स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्य में वर्तमान में जो है वनों की स्थिति क्या स्थिति, उसकी बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राज्य में वनों की वर्तमान स्थिति क्या है। राज्य में वनों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में अभिलिखित वन क्षेत्र 9.60% है। मैं पहले पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। 9.60% जो है क्या है, ये 9.60% जो आपके हैं, ये देखिएगा, ये क्या 9.60% जो आपके ये हैं, आपके अभिलेखित वन क्षेत्र है। क्या है? अभिलेखित वन क्षेत्र प्रतिशत है। तथा कुल वन आवरण का एवं वृक्ष आवरण मात्र जो है ये 7.42% ही है। प्रदेश की विषम परिस्थितियां यथा दो तिहाई, यहाँ पर जो दो तिहाई यानी कि लगभग 61% जो है आपके, जिसे बात करें तो यहाँ मरु प्रदेश है, दो तिहाई हो गया मरु प्रदेश, या शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा और वर्षा आच्छादित क्षेत्र की कमी, अत्यधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद जो है वर्षादित क्षेत्र में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिए सुधारने की नितांत आवश्यकता है, ठीक है, ताकि परिस्थितियां जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ साथ वनों से प्रदेशवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वन विभाग द्वारा वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के कार्यों को स्थानीय वन सुरक्षा समिति एवं वन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। वन महोत्सव कार्यक्रम, जन जागरूकता शिविर, पौध वितरण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, एनजीओ, वन सुरक्षा समिति, विभागीय कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाने के अतिरिक्त घर घर औषधि योजना जो अभी हाल ही में चली थी कोविड के टाइम, ठीक है, इको टूरिज्म को प्रोत्साहन तथा आदि जो है गतिविधियों के माध्यम से, घर घर औषधि के माध्यम से 8 पौधे दिए जाते थे, दो देना गिलो, अश्वगंधा, तुलसी और कालमेघ, इनके दो दो पौधे थे, इनके टोटल 8 पौधे दिए जाते थे, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले वीडियो में।